ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 30 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, यस सर। करंट 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर, आई पता है, लेंथ पता है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। वायर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू इसमें 60 है, फोर्स बतानी है, तो इसमें क्या गिवन है, बी आई एल साइन 90 साइन 60 आंसर। सर 4.33 नहीं आएगा इसका आंसर, 4.33 लिखा मैंने। अच्छा बी इनटू 10 एच पर माइनस ए आ रहा है, आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, यस सर कर रहा था। फिर कैसे आ रहा है, इसमें बी की वैल्यू कितनी है, बी आपको गिवन है 5 इनटू 10 की पावर माइनस 4, करंट आपको गिवन है 2 और लेंथ आपको गिवन है 50 अपॉन 100 और साइन ऑफ कितना गिवन है 60, ये रहा। तो यहाँ से ये गया, तो 10 की पावर क्या चल रही है माइनस 5 आएगा यार, यही ऐसा कुछ आएगा, ये कैसे आ सकता है, 10 की पावर माइनस तो आएगा ही ना, बी नहीं आएगा। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, यस सर। डाउट है, हमने किया था एक फिक्स हॉरिजॉन्टल वायर है, कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पियर, 200 एम्पियर का करंट है, एंड अनदर वायर, एक और हवा में वायर है जिसका मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो ये नीचे क्यों गिरेगी, इसका वेट क्यों नहीं गिरेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच में। तो क्या सिखाया था कि जब फोर्स है अगर वेट को बैलेंस करेगा तो नहीं गिरेगी, सपोर्ट करेगी, लेंथ से दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला तो पता ही है, और यहाँ से एम जी बाई लेंथ मास पर यूनिट लेंथ भी गिवन आंसर, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है ना, ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, ये तो याद है, एन स्क्वायर बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, यस सर। इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट इन अ स्टेडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई और बी दोनों प्रेजेंट है ना, तो इसके अंदर ई की वैल्यू गिवन है, इसमें बी की वैल्यू गिवन है, और वो कह रहा है लॉरेंट्स फोर्स कैंसल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब वो कैंसिल हो रही हैं, तो क्या सिखाया था, इलेक्ट्रॉन जो है वो अनडेविएटेड जाता है, बिल्कुल सीधा जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ई बाई बी, ई पता है बी पता है, आंसर क्लियर है, यस सर। फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ होगा, इसका प्लीज शॉर्टकट नोट कर लें, ये हमने डेरिवेशन नहीं की, बहुत पहले हुआ करती थी, बहुत लंबी डेरिवेशन है, इसका रिजल्ट याद करेंगे। अगर दो प्रोटॉन्स पैरेलल मूव कर रहे हैं टू ईच अदर, स्पीड v1 v2 गिवन है प्रोटॉन्स की, और वो रेशियो पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और मैग्नेटिक फोर्स की, तो ये फॉर्मूला, प्रोटॉन हो या कोई भी पार्टिकल हो, उसकी वेलोसिटी जब गिवन होगी, तो ये फॉर्मूला नोट करें, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बुकलेट में v1 v2 बाय c स्क्वायर, v1 v2 के प्रोटॉन्स की स्पीड्स हैं और c स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहां से आंसर आएगा, कल को वेलोसिटी चेंज करेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल की, v1 v2 चेंज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये कहां से आया, ये लंबी कहानी है, इसको करने की जरूरत नहीं है, रेयर क्वेश्चन है, बट मैंने की हुई है इसकी डेरिवेशन पर, अब बुक किताबों से हटाई दी है इन्होंने। सेवेंथ, एट्थ क्वेश्चन नंबर 9th आज हमने करना है, अभी टॉपिक किया नहीं, आज मैं करवा दूंगा तब होगा, इसे छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ 0.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर गिवन, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी का म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, तो आपको बी गिवन है, आर गिवन है, तो वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर पे बी क्या होगा, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो b1 r1 b2 r2 पुट करके आंसर, तो आपको इस क्वेश्चन में r1 r2 गिवन है, b1 पता है, यहां से b2 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, यस, 12th में b1 मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, b की वैल्यू है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, बायट सबर्ट लॉ में एक्सिस के ऊपर b का फॉर्मूला क्या किया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई
टू पाई आई आर स्क्वायर एन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और एक्स की वैल्यू कितनी आर बाय रूट थी, तो मैग्नेटिक फील्ड बी वन है और सेंटर के ऊपर बी टू है, तो मान लो नंबर ऑफ टर्म्स में एन है, सेंटर के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है बी का म्यूट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर इंटू एन, तो यहाँ से डिवाइड करके बी वन और बी टू की रेशियो आएगी। एक फॉर्मूला एक्सिस का, एक फॉर्मूला सेंटर का, 13th का, 14th, यस सर, 14th, 13th में भी डाउट है। 13th में करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश अराउंड हैज इट्स लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर, हमने किया बैट सर्वेट लॉ में क्या किया था, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर नहीं होती थी, आंसर। ओके सर, 14th में डाउट। क्वेश्चन नंबर 15th, 16, 17, 18, 19 में करेक्शन करो, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को कैथोड रे बोलते हैं, गलती से अल्फा पार्टिकल लिख दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो कैथोड रे है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कैथोड रे बीम इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रॉन को यानी कि सर्कल में घुमा रहे हैं ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर बाय अ मैग्नेटिक इंडक्शन बी गिवन है, वेलोसिटी बताओ, तो आर का फॉर्मूला क्या होगा एम वी बाय बी क्यू, तो वेलोसिटी निकाल लेना आंसर, तो इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का ही आएगा, आंसर आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, 23,